हम ऑलराउंडर कह सकते हैं इस किताब को। और ओरा खुदा का कलाम, इसकी सबसे बड़ी बात जो चुभती है दुनिया को वो इसकी सच्चाई है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो है वो ही बताया गया। और हम खुदा के कलाम से जानते हैं कि जब से बागे अदन में गुनाह किया इंसान ने, उसके उस वक्त से लेकर इंसान कहर के नीचे, वो खुदा का कहर जिसको समझने की जरूरत है कि जो रिएक्शन है, ऑटोमेटिक रिएक्शन है गुनाह का, वो उसी को खुदा का कहर और गुस्सा कहा गया है। खुदावंद तो कहर करने में धीमा और शफकत में धनी, मगर इंसान जब गुनाह उसके अंदर आ गया तो उसके रिएक्शन के तौर पर खुदा का कहर, खुदा से जुदाई और वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता खुद से। बाइबल मुकद्दस का मरकजी ख्याल यही है जो सच्चाई है, और इसीलिए शैतान को चुभती है क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चाई है। वो यही है कि सिर्फ खुदा का फजल इंसान को बहाल कर सकता है, यानी कि दूसरे लफ्जों में खुदावंद खुद चाहे तो इंसान को उस गड़े से निकाल सकता है जिसमें इंसान गिर गया है। और खुशखबरी इंजील ये है कि खुदावंद ने ऐसा कर दिया है। गुस्से नाल ना छिड़की मैनू ऐ खुदा, मेरे पीछे में गुस्से नाल ना छिड़की मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने कहर दे दई ना सजा। फिर से गाइस, गुस्से नाल ना छिड़की मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने कहर दे दई ना सजा। मैनू तेरा तीर हुण लगा कारी तीर लगा कारी है, मेरे ते हथ तेरा डांडा पारी है, मेरे ते हथ तेरा डांडा पारी है, मेरे सिर तो लग गए मेरे सब गुना, मेरे सिर तो लग गए मेरे सब गुना, एडे पारी होए चुके जा देना। जब तक इस बात को हम रियलाइज नहीं करते इंसान खुदा के फजल की जरूरत को महसूस नहीं करता। वो कहता है मैं पहले ठीक हूं, हमारे इर्द गिर्द जो कौमे आबाद हैं हम देख सकते हैं कि वो एक गलत बात पे तकिया किए हुए हैं कि हम बहुत सी नेकियां करके बच सकते हैं, मगर सच्चाई ये है कि हम बच ही नहीं सकते अगर उसका फजल ना हो। मेरे सिर तो लग गए मेरे सब गुना, मेरे सिर तो लग गए मेरे सब गुना, एडे पारी होए चुके जाते। लेकिन जरूर 130 में आपने सुन लिया वो बोझ जो हम नहीं उठा सकते थे, खुदा का बर्रा उठा कर ले गया। हालेलुया, उस खुदा के बर्रे के लिए तालियां बजाएं सब।
और हमने सुन लिया इतनी दूर कि फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आ सकते। जोर से तालियां बजाएं खुदा के बड़े यीशु मसीह के लिए। या रब मेरे मेरा शौक है तेरे ही हुजूर मेरा है मारना ते तो नहीं दूर गुस्से नाल छिड़की मैनू ऐ खुदा जोश विच अपने कहर दे फजल बख्श गुना सब मेरे फजल बख्श गुना सब मेरे मांगों पर फजल रैम करे होते मेरे वांगू फजल रैम करे तूए होते मेरे फजल ना बख्श गुना सब मेरे फजल ना बख्श गुना सब मांगू फजल रैम करे होते मेरे मांगू फजल रैम करे तुए होते मेरे फजल ना उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स में ही की थी, लेकिन मैंने 2 साल बॉर्डर कॉलेज में बीएससी में जेनेटिक्स पढ़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स बताती है कि इंसानी खून के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, और वो जो जीन्स हैं आप ये समझ लें कि आपके खून के अंदर जो जीन्स हैं आपके खून के अंदर आपका पूरा करेक्टर है लिखा हुआ। आपका खून कोई मामूली चीज नहीं है, इसके अंदर आपका पूरा किरदार लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में कि आप कैसे हैं। और अब जो आयत आप गाने लगे हैं अब आपको इसकी समझ आएगी। क्यों जो सब बुरे आए अपनी मैं मन लेता क्यों जो सब बुरे आए अपनी मैं मन लेता मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता। ये वाली आयत मैं भी पैदा ना होया देखो बिच बुरे आई पहले पैदा होया देखो बिच बुरे आई मैनु
तू बेच बुला दे जमया मेरी माई, मैनू बेच बुला दे जमया मेरी माई, पर जगना ले। इसीलिए मसीह ने भी जब हमारा खून करप्ट हो गया था और आदम से आगे चल पड़ा था, एक से दूसरी नस्ल के अंदर गुनाह ट्रांसफर हो रहा था और कोई ऐसा नहीं था जो कफारा दे सके, मसीह ने आके अपना कीमती खून बहा दिया। हालेलुया। और पूरी कीमत अदा कर दी है। यही फसल है जिसको दुनिया नहीं मानती और ना तस्लीम करती है, मगर ये सच्चाई है कि खुदा का फजल सिर्फ और सिर्फ सलीब से जारी हुआ है। हालेलुया। बख्श गुना सब मेरे, फजल ना है रब, बख्श गुना सब मेरे, पांच फजल है तू इनके मेरे, मांगू फजल जिसने बख्श गए सब गुना, पिटा के गए सारों का सजा मिल गया। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुना, पिटा के गए सारों सबको आकर गए। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुना, गए सारे सदा रब जिसने पाप ना कर दिया, रब जिसने पाप ना कर दिया, वो तन गंदे दिल वो तन ही हरा, वो तन गंदे दिल वो तन मैसेज देते हुए ये बात कोट की। उन्होंने कहा खुदा खुदा किस पर अपना फजल करता है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से तीन जवाब दिए।
लेकिन मैं सिर्फ एक बताऊंगा, उन्होंने कहा खुदा उस पर फजल करता है जो उसका फजल मांगता है। आप जानते हैं कि दो लोग दुआ के लिए आए थे हैकल में, एक तो अपनी अपने नेक कामों पर तकिया किए हुए था और वो फरीसी था, उसने एक बार भी उसकी लैंग्वेज से नहीं लगा कि उसको खुदा के फजल की जरूरत, क्योंकि वो दूसरे लफ्जों में खुदा को ये बता रहा था कि तुझे तो शुक्र करना चाहिए कि मैं मेरे जैसा अच्छा इंसान तुझे मिल गया कि जो रोजे भी रखता है, जो सब कुछ करता है। वो अपनी नेकी पर तकिया किए हुए था, उसको खुदावन का फजल उसने मांगा ही नहीं और उसे मिला ही नहीं। मगर दूसरा शख्स जो हमें शायद यहां पर हो तो हम सब उसको बुरी नजर से देख रहे होंगे, ये यहां कहां से आ गया, हम अच्छे लोग हैं और ये शख्स यहां आ गया है, ये करप्ट शख्स। वो वाकई करप्ट था क्योंकि महसूल लेने वाले उस वक्त थे करप्ट, मगर उसको फजल मिल गया। क्यों? क्योंकि वो इतना हम्बल था कि उसने फील किया कि मुझे उसके फजल की जरूरत है और उसने मांगा और उसे मिला। खुदा का फजल इस लम्हे भी अवेलेबल है, लेकिन जो सच्चे दिल से हम्बल हार्ट के साथ मांगता है, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो दरवाजा खटखटाएगा उसके वास्ते मैं के आया हूँ वादे मैं बदलना का अपने गुनाह कसूर, मैं बदलना का अपने गुनाह कसूर, ओ तेरे जिसके पास गए सपना देखा के गए, ओ तेरे जिसके पास गए सपना गए सारे हो गलतना, तद मेरी बदसाती का पारा गुना बख्श दिता, पहलू मेरे गुना तू बख्श दिता, पहलू मेरे गुना ओ तेरे जिसके पास चीज रोकती है हमें मांगने से। इंसान का गुरूर, इंसान का गुरूर उसे रोकता है कि वो फजल मांगे। वो कौमें भी जो मगरूर है, ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, कई कौमें जिसमें हमारी भी कौम शामिल है पाकिस्तानी, हम देखते हैं गुरूर के बायस इंजील की रोशनियों तक नहीं, उन पर नहीं खुल रही, क्योंकि अंदर जब गुरूर होता है तो इंसान मांगता नहीं है फजल को, और जब मांगता नहीं है तो पाता नहीं है। कितने हैं जो महसूस कर रहे हैं कि इस फिजा में मसीह का खून मौजूद है, अपने हाथ हिलाए खुदावंत का फजल, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, सब में तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। मैं के आया हूँ वादे आगे जरूर, मैं के आया हूँ वादे आगे जरूर, मैं बदलूंगा अपने गुनाह के कसूर, मैं बदलूंगा अपने गुनाह के कसूर, ओ तेरे जिसके पास गए सपना के गए है था मेरे लूकड़ का तू है खुदा। सुना तो आसे सच्चाई का इकरार करे, हाँ है था मेरे लूकड़ का तू है खुदा, है था मेरे लूकड़ का तू है खुदा, बचाता है दुखों को तू है सदा, बचाता है तू हाँ तो तू है सदा, वो तेरे जिसने बांधे गए सपने तेरा।
लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है। आपकी बारी के लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है। वह मैं तेरी कृपा को बाबा मैं तेरी शिफा को बाबा मैं तेरी शिफा को बाबा मैं तेरी शिफा को। मेरी माता तू रब ना जिसने धरती आकाश बना तेरे पैरानू तेरे खलारा मदद मैं किस रूप अभी सबूत को खड़े होकर रहेंगे। उसी में है, उससे कहा था मैं हूं जिंदगी, सिर्फ
बाइबल का खुदा है जिसके पास बहाल करने का मंसूबा है, जिसे बहाल करने की फिक्र है और जिसने बहाल करने का इंतजाम किया है। ये सब चाहे तेरा रब तेरू आपे बचाना, तेरा रब तेरू आपे बचाना, सारी बंदियां तो तेरू छुड़ाना, सारी बंदियां तो तेरू छुड़ाना, तेरी पाप्य होगा
तालीम जाए सब। वक्त मजूर से खातिर रखते हुए आप ये अब हम आखिरी समय है और एक दो कोर्सेस गाए जाएंगे जो क्वायर ने भी कहा था कि हम जरूर गाएं, लेकिन उससे पहले जो हमने खसूसी तौर पर एक जबूर तैयार किया था मेरे पीछे के हैं, जबूर 27 है। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदावन मेरा है सहारा, खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी हैबत भरा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदावन मेरा है सहारा, खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी हैबत भरा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। इधर देखिए भाई साहब, सदर पेशक अवध नजू जब उन्हें आग की भट्टी में डाला जाना था, उन्होंने बादशाह को दो बातें कही थी। आज हम जब इस मुल्क में रह रहे हैं, आपने मैं किसी बला से नहीं डरूंगा सब, क्योंकि तू मेरे साथ है। उनकी दिलेरी देखिए, उन्होंने दो बातें की। उन्होंने पहली बात ये बता दी कि हमारा खुदावंद हमें छुड़ा सकता है आग की जलती भट्टी, लेकिन दूसरी बात उन्होंने इससे भी बड़ी कह दी कि अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया, हमारी जानें भी कुर्बान है यीशु के नाम पे। जोरदार ताली बजाए। शरीरों ने मुझको था तेरा मुखालिफ, मैंने वो हुए मेरे पीछे जाए। शरीरों ने मुझको था तेरा मुखालिफ, दाऊद ने क्या मांगा सुनिए। खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। रहूं तेरे घर में उम्र भर, रहूं तेरे घर में उम्र भर। देखूं जमाल तेरा खुदावन मेरी रोशनी है,
खुशी से ज्यादा की मुझे, जिंदगी से भी
करते हैं तो हम सोचते कि खालिश प्रस्ती ज्यादा क्या है। खालिश तरीन प्रस्ती वो है जब हम खुदावन से कह रहे होते हैं, खुदावन मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और इसमें ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, सोने चांदी से भी ज्यादा हीरे मोती से भी ज्यादा सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू है खुदा, तू है सब कुछ मेरा। से भी ज्यादा महंगी है और वो हमारी जिंदगी है। अगर कोई गन पॉइंट पे हमसे जो भी हमारी जेब में होगा वो निकलवा सकता है, हम वो दौलत को नहीं बचाएंगे, हम अपनी जिंदगी को बचाएंगे। लेकिन हमने इसमें ये दूसरा लेवल भी गाया है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई किस्सा जिंदगी से भी ज्यादा मेरी हर खुशी से ज्यादा जिंदगी से भी ज्यादा मेरी हर खुशी से बता दे आया वो खतरे के टोए
लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, बस हम दोबारा से ये दो लाइन्स गाकर, क्योंकि खुदावंद ने हमें जो बरकत दी है, हम घर जाकर भी दुआ करें, हम दोस्ताए घर जाकर भी करें, खुदावंद की हुजूर ठहरे दुआ में, जैसे खुदा के खादम ने बताया कि हम उसके नज़दीक नहीं आते, हमें अब उसके नज़दीक आना है। वो हमेशा अवेलेबल है, उसकी प्रेजेंस हमेशा अवेलेबल है। सिर्फ हाथ उठाकर ये दो लाइन्स मेरे साथ कहें, खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना, खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना, खुदावंद मेरा सहारा, खुदावंद मेरा मुझे किसकी है बस भरा, खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी है भरा। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आप कभी मसीह के जख्मों को ना भूलें, आप हमेशा याद रखें कि आप वो हैं जिसके लिए दुनिया की सबसे भारी कीमत अदा की गई और खरीदा गया है। अपनी कदर को कभी ना खोए, कभी मसीह के नाम से ना शर्माए, कभी उसकी अंजील से ना शर्माए, जान देने तक वफादार रहे। खुदावंद का फजल जमीन की इंतहा तक आपके साथ है। यीशु के नाम में आमीन। सब तशरीफ रखिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे।